कांग्रेस सरकार पर विफलता और वादा खिलाफी के साथ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर भाजपा ने घंटानाद आंदोलन किया। बुधवार को भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के घेराव से पहले सिविल लाइन्स के दीनदयाल बगीचे के पास भाजपा नेताओं के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान प्रदेश सरकार पर भाजपा नेताओं के निकम्मेपन, वादा खिलाफी सहित भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे भाजपा नेताओं को पुलिस ने रोका। इससे नाराज होकर वो सड़कों पर ही बैठ गए। भाजपा ने घंटा, थाली, पुंगी और शंख बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी तरफ देखने की भी फुर्सत इस प्रदेश मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नहीं है। युवा किसी भी समाज देश का भविष्य होता है। उसी युवा को प्रारंभिक काल में धोखाधड़ी का शिकार होना पड़े तो सोचिए व्यवस्था, उसका विश्वास किस कदर उठ जाएगा। लेकर कांग्रेस सरकार को चुना था और कई वचन पत्र में जो वादे किए गए थे उसकी वादा खिलाफी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर घंटानाद आंदोलन का प्रदर्शन किया और साथ में सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि 9 माहों में जहाँ विकास कार्य मध्य प्रदेश में पूरी तरह से ठप है, वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कई महत्वपूर्ण योजना जो गरीबों के हितों के थी वो सबको बंद कर दिया गया है। 200 रुपये में बिजली का बिल आता था, लोग काफ़ी जनता का, गरीब जनता काफ़ी खुश थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बिजली के करंट से वो गरीब की हालत ख़राब हो रही है। जहाँ 200 रुपये का बिल आता था वहीं 2.5 से 3-4 हज़ार के बिल देखकर उसको अपने आप में करंट लग रहा है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार हम देखते हैं प्रदेश में बहुत ही अच्छी योजना चल रही थी, तीर्थ दर्शन योजना गरीबों और बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी योजना थी। कन्याकुमारी से लेकर रामेश्वरम द्वारका लोग जाते थे, दर्शन करने जाते थे और शिवराज जी को दुआएं देते थे, लेकिन उस महत्वपूर्ण योजना को भी कमलनाथ की सरकार ने बंद कर दिया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत हमने देखा कि चलो 26,000 रुपये से लेकर कमलनाथ जी ने उसको 51,000 कर दिए, बहुत अच्छा फैसला लिया, उसके लिए स्वागत योग्य है। लेकिन आज मध्य प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में कन्याओं के विवाह संपन्न हो गए और उन कन्याओं के पिताओं ने कई प्रकार के कर्जे ले लिए और आज भी हम देख रहे हैं कि विगत 3-5 महीनों के अंदर शादी होने को हो गए, लेकिन एक भी रुपया कन्या के खाते में नहीं जाने से वो परिवार पूरी तरह से पीड़ित हो रहा है। इस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया, विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। हम देख रहे हैं कि वापस वही के वही बिजली का जो इतनी बढ़िया महत्वपूर्ण बिजली 24 घंटे जो प्रदेश भाजपा सरकार में मिलती थी, आज हम देख रहे हैं वापस चिमनी युग आ गया है। बार बार कटौती से लोग परेशान हैं, बिजली के लगातार बढ़े हुए बिलों से करंट लगने से परेशान है। वहीं हम देख रहे हैं कि प्रदेश की जो स्थिति है रोडों की, कोई वापस दिग्विजय सिंह के राज के समय हो गई है कि सड़क एक ही गड्ढा है कि सड़क ढूंढने से नहीं मिल रही है और रिपेयरिंग के पैसे भी नहीं है और बोलते हैं खजाना खाली मिला। भैया खजाना खाली नहीं मिला, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अंतिम तक पूरे जो भी प्रयास और जो भी योजना थी उसका पैसा भर पल्ले लोगों को भिजवाया है और किसी भी प्रकार की मध्य प्रदेश के अंदर कोई कमी पैसे की नहीं थी, लेकिन एक बहाना कि मध्य प्रदेश का खजाना हमें खाली मिला है तो फिर इस प्रकार की घोषणाएं क्यों की जा रही है। अन्य प्रकार की जो घोषणाएं 2 लाख रुपए जब आपके पास नहीं थे देने के लिए किसानों को, तो झूठी घोषणा क्यों की। बेरोजगार युवाओं को जो आपने रोजगार भत्ते का आश्वासन दिया था, वो एक भी युवाओं को रोजगार भत्ता आज तक नहीं मिला, जबकि